हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कैपिटल रिडक्शन का एक सम सीखेंगे। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द बैलेंस शीट ऑफ द केयूर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। देखो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल दिया है। 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, 3000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। तो दोनों तरफ के शेयर है, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है। उसके बाद एसेट साइड पे टेंजिबल एसेट्स है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। इनटेंजिबल में गुडविल और पेटेंट्स है। अदर नॉन करंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। करंट एसेट्स में दो है, स्टॉक एंड डेटर्स। तो इतना इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में से मिल रहा है। अ स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन एज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल वॉज एज फॉलोस। ईच इक्विटी शेयर विल बी रिड्यूस बाय ₹90, ईच प्रेफरेंस शेयर विल बी रिड्यूस टू ₹90। अब इक्विटी शेयर में क्या बोला है, ईच इक्विटी शेयर विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹90, यानी एक इक्विटी शेयर पे आपको ₹90 रिड्यूस करना है। ईच प्रेफरेंस शेयर विल बी रिड्यूस्ड ₹90। अब ये बाय और टू दोनों वर्ड में डिफरेंस है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। प्रेफरेंस शेयर विल बी रिड्यूस्ड ₹90। अभी उसका वैल्यू कितना है, प्रेफरेंस शेयर का ₹100, उसको नब्बे पर ले जाना है। रिड्यूस टू यानी अब उसका वैल्यू नब्बे करना है, यानी कितना उसमें रिड्यूस हो रहा है, ओनली ₹10 रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जबकि इक्विटी शेयर में क्या बोला था, उसका वैल्यू अभी ₹100 है, बट ₹90 रिड्यूस करना है। रिड्यूस बाय ₹90, यानी आपको ₹90 रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये बाय एंड टू, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नंबर 3, इन लieu ऑफ 2 years ऑफ एरियर ऑफ प्रेफरेंस है डिविडेंड, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच शुड बी गिवन इज 5% पेड ₹100 ईच। प्रेफरेंस शेयर पे 2 साल से डिविडेंड आपने पे नहीं किया है कंपनी ने, उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, ₹100 वाला एक इक्विटी शेयर दे रही है, बट ओनली 5% पेड। ठीक है, ₹100 का शेयर दे रहे हैं, बस उसका पेड अप वैल्यू कितना है, 5% यानी ₹5। उसका कैलकुलेशन करते हैं हम बाद में। नंबर 4, एवरी क्रेडिट बैलेंस विच इज नॉट लायबिलिटी एंड एवरी डेबिट बैलेंस विच इज नॉट एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट आर टू बी रिटर्न ऑफ। जो भी क्रेडिट बैलेंस है विच इज नॉट लायबिलिटीज, तो ऐसा कोई अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे राइट ऑफ करना है। एवरी डेबिट बैलेंस विच इज नॉट एसेट, कोई ऐसा डेबिट बैलेंस है जो एसेट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, दो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस है, PL अकाउंट है, तो उसे भी राइट ऑफ करना है। नंबर 5, एनी बैलेंस रिमेनिंग इन कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट विल बी यूटिलाइज टू रिड्यूस फिक्स एसेट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर बुक वैल्यू। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कई बार हम लोग देखते हैं क्या होता है, बैलेंस होता है, वो बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जनरली, बराबर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया गया हो तो। पर यहाँ पर क्या बोला है, जो बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में उसको यूटिलाइज करना है। कहाँ पर यूटिलाइज करना है, रिड्यूस फिक्स एसेट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर बुक वैल्यू। यहाँ पर फिक्स एसेट कौन सी है, दो ही है, एक बिल्डिंग है और एक प्लांट है। तो जो भी यहाँ पर रिमेनिंग अकाउंट रहेगा कैपिटल रिडक्शन फंड में, उसका यूज़ हम बिल्डिंग और प्लांट को रिड्यूस करने में करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज भी करना है और बैलेंस शीट भी रेडी करना है, बट सबसे पहले कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में कैलकुलेशन मैंने किया है, समझ लेते हैं। कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट किया होता है, तो जैसे हम सब जानते ही है, कैपिटल में अगर कुछ रिड्यूस होता है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में दिया था, ईच इक्विटी शेयर विल बी रिड्यूस बाय ₹90। इक्विटी शेयर में ₹90 रिड्यूस करना है, तो 3000 इक्विटी शेयर है, तो 3000 इक्विटी शेयर ₹90, तो आपका आंसर आएगा 2,70,000। प्रेफरेंस शेयर में क्या बोला है, नंबर 2, ईच प्रेफरेंस शेयर विल बी रिड्यूस ₹90। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 100 है, उसे 90 पर ले जाना है, यानी ₹10 रिड्यूस करना है। तो
प्रेफरेंस है 3,000 है, 3,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 30,000। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस साइड पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। जनरली जो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होता है तो कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे उसे कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम यहाँ ये जो 1 लाख रुपये है कैपिटल रिडक्शन में ले जाएंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। तो कैपिटल रिडक्शन में इतना ही हम क्रेडिट कर रहे हैं, टोटल आपका हो रहा है 4 लाख। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या करना है, तो एसेट्स को राइट ऑफ करने में करना है, नंबर 4 में बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 4 में, एवरी क्रेडिट बैलेंस विच इज नॉट लायबिलिटी एंड एवरी डेबिट बैलेंस विच इज नॉट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है, गुडविल एंड पेटेंट्स दोनों राइट ऑफ करते हैं, 35,000 एंड 45,000। देखो गुडविल 35,000, पेटेंट 45,000। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों भी राइट ऑफ करना है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 45,000, पीएल अकाउंट 1,40,000। तो एसेट साइड पे इतना ही है। और कुछ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में दिया है, इन लieu ऑफ 2 years ऑफ एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच शुड बी गिवन एज 5% पेड फॉर ₹100 ईच। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना उनको अभी पे करना है, एरियर अमाउंट कितना है। तो 2 साल से उनको डिविडेंड मिला नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर देखते हैं 3 लाख रुपये के, और कितने परसेंट के हैं, 8%। तो 3 लाख के 8% के हिसाब से अगर उनको डिविडेंड देना होता तो 1 साल का डिविडेंड का अमाउंट होता है 24,000। अब कितने साल का बाकी है, 2 साल का, तो 2 साल का कितना हो गया, 24,000, 24,000 मिला के 48,000, 48,000 डिविडेंड अभी एरियर में है। अभी कंपनी ने क्या बोला है, 48,000 का जो डिविडेंड है उसके बदले में कंपनी ₹100 वाला शेयर दे रही है, ठीक है। तो 48,000 को 100 से डिवाइड करते हैं तो कंपनी कितने इक्विटी शेयर दे रही है, 480, 400 इक्विटी शेयर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बट एक शेयर कितने में कंपनी दे रही है, उसका फेस वैल्यू चाहे ₹100 हो बट कंपनी ओनली 5% पेड अप ऐसा लिखा है। तो 100 का 5% यानी कि 5 रुपीज, ठीक है। तो 480 शेयर उनको 5 रुपीज़ के हिसाब से गिनते हैं, 480 शेयर इंटू 5 रुपीज़, तो उनको ₹2,400 के इक्विटी शेयर ही दिए जाएंगे, शेयर के वैल्यू इतना ही आएगा ₹2,400। या तो दूसरी तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर ₹100 के सामने उनको 5 रुपीज़ दिया जा रहा है, यहाँ पर बोला है ना 100 ईच शुड बी गिवन एज 5% पेड, ₹100 के जगह पे उनको 5 रुपीज़ दिया जा रहा है, तो उनको देना कितना है, 48,000। तो 48,000 की जगह पे उनको कितना मिलेगा, तो ऐसे करेंगे तो भी आपका आंसर आ रहा है ₹2,400, यानी दोनों साइड पे आंसर सेम ही आ रहा है, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर लो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या, आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 480। तो इस तरह से प्रेफरेंस डिविडेंड में ₹2,400 हमें उनको डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड ₹2,400 जो देना है वो कैपिटल रिडक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज में अभी इतना ही पॉइंट है, आगे कुछ दिया नहीं है, तो इतनों का टोटल करते हैं तो 2,67,400 इतना आपने यूटिलाइज कर लिया, जबकि आपके पास क्रेडिट कितना था, 4 लाख रुपये था, ठीक है। 4 लाख रुपये आपके पास कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट अमाउंट थी, 4 लाख में से आपने इतने यूज़ किए 2,67,400, तो 4 लाख में से अगर इतना आप माइनस करोगे तो ये जो बचता है वो ये क्या हो गया, रिमेनिंग अकाउंट 1,32,600। अब ये रिमेनिंग अकाउंट, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली हम कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है उसे कहाँ ले जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। बट इस सब में आपको ऐसा बोला है, एनी बैलेंस रिमेनिंग कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट विल बी यूटिलाइज टू रिड्यूस फिक्स एसेट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर बुक वैल्यू, यानी ये जो बैलेंस बचा है 1,32,600 उसका यूज़ क्या करना है, पेमेंट
फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करने में यूज करना है। तो फिक्स एसेट हमने पहले देखा है कौन कौन सा है, बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी, दो ही है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी दोनों को रिड्यूस करेंगे, उसका वैल्यू डाउन करेंगे। बट प्रपोर्जन क्या रहेगा, बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या है, तो बिल्डिंग का बुक वैल्यू 1,60,000 है, प्लांट मशीनरी का 3,20,000। ठीक है, तो उसका प्रपोर्जन निकालेंगे, 1,60,000 बिल्डिंग का है, प्लांट मशीनरी का 3,20,000। ये आपका बिल्डिंग आ गया, ये आपका प्लांट मशीनरी आ गया। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, इसका रेशियो क्या रहेगा, 1:2। ठीक है, तो 1:2, इसके हिसाब से अगर रिड्यूस करते हैं ये अमाउंट, तो बिल्डिंग में 44,200 रिड्यूस होगा, प्लांट में 88,400 रिड्यूस होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो कैलकुलेशन था वो सभी खत्म होता है। अब जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केयर लिमिटेड। तो कैलकुलेशन को देख के वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल में रिडक्शन होता है उसका जर्नल एंट्रीज करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना हो रहा है, 2,70,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,70,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना हो रहा है, 30,000। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3 लाख। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम की जो बैलेंस थी वो हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख। तो कैपिटल रिडक्शन में जितना भी क्रेडिट करना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कैपिटल रिडक्शन का यूटिलाइज होना है, यानी यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जर्नल एंट्री नंबर 3, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3,96,600। अब कौन कौन सी एसेट्स आपने राइट ऑफ किया, देखो गुडविल 35,000, पेटेंट्स 45,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 45,000, पीएल अकाउंट 1,40,000, बिल्डिंग 44,200, प्लांट 88,400। ठीक है, और इस सब का टोटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट हो रहा है। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है उसका हम अलग से जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं। जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस टाइम पे दो जर्नल एंट्रीज होती है। हमने कैलकुलेशन तो देख लिया कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पे करना था, 48,000, बट 48,000 के हिसाब के सामने कंपनी कितना दे रही है, ओनली 5% के हिसाब से 2,400। ठीक है, तो उसका दो जर्नल एंट्रीज होगा। सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा 2,400 से टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट 2,400। ये कंपनी ने डिविडेंड देना तय किया, डिसाइड किया। अब कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड देगी तो डिविडेंड की जगह पे कंपनी क्या दे रही है, उनको कैश नहीं दे रही है, इक्विटी शेयर दे रही है। तो आपका जर्नल एंट्रीज होगा प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इतनी ही जनरल एंट्रीज होगी। उसके बाद हम बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट ऑफ केयूर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। अब हम सम वाला जो क्वेश्चन बैलेंस शीट है वो देखते जाते हैं, जहाँ जहाँ पर चेंजेस होता है वो हमारे आंसर में करते जाएंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर, 3,000 इक्विटी शेयर दिए थे, ठीक है, वो जे ओल्ड है। अब कंपनी ने क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया, और प्रेफरेंस डिविडेंड में जैसा कि हमने देखा कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर दिए, 480। ठीक है, तो पुराने इक्विटी शेयर जो थे वो 3,000 थे, नए थे 480, तो दोनों को मिला के 3,480 इक्विटी शेयर हो गए। ठीक है, तो टोटल आपके इतने इक्विटी शेयर हो गए 3,480। बट दोनों का जो वैल्यू है वो अलग है, क्यों, क्योंकि पुराने जो शेयर थे 3,000 थे उसका वैल्यू 100 रुपीज़ था, बट हमने क्या किया, 90 रुपीज़ डिक्रीज कर दिया, यानी एक शेयर अब कितने का हो गया, 10 रुपीज़ का। तो 3,000 शेयर और एक शेयर 10 रुपीज़ का हो गया, यानी उसका वैल्यू कितना होगा, 30,000। अब कंपनी ने जो प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर किया, प्रेफरेंस डिविडेंड में कितने शेयर दिए, 480, और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 5 रुपये है, 10 नहीं,
तो 480 शेयर और एक शेयर का वैल्यू 5 रुपये, तो उसके हिसाब से 2400 रुपया हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल मिला के 30,000 और 2400 दोनों का टोटल मिला के हो रहा है 32,400। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 3,000 प्रेफरेंस शेयर थे, एक शेयर 100 रुपये का था, हमने कितना रिड्यूस किया, 10 रुपया, तो अब 90 रुपये वाला हो गया। तो 3,000 शेयर को 90 रुपये से गिनते हैं तो आपका आंसर आएगा 2,17,000 रुपये। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम था जो हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर लिया, यानी नए बैलेंस शीट में उसे दिखाएंगे नहीं। नॉन करंट लायबिलिटीज में और कुछ दिया नहीं है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, 1,25,500 सीधा यहाँ पर दिखा देंगे। अदर लायबिलिटीज कोई है नहीं, टोटल करेंगे तो 4,27,900 आ रहा है। उसके बाद एसेट साइड पे जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग 2,00,000 रुपये का है, डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये निकाल लो तो उसका बुक वैल्यू कितना है, 1,60,000। अब बिल्डिंग में से हमने कितना रिड्यूस किया ये देखो, तो बिल्डिंग में इतना 44,200 रिड्यूस करते ही बिल्डिंग का वैल्यू आपका जो है वो 1,60,000 में से इतना माइनस करेंगे तो आएगा 1,15,800। उसके बाद प्लांट मशीनरी, प्लांट में कितना रिड्यूस करना है, 88,400, तो प्लांट का वैल्यू था आपका 3,20,000, उसमें से 88,400 रिड्यूस करें ठीक है, तो प्लांट का वैल्यू आ रहा है 2,31,600। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स में दोनों हमने राइट ऑफ कर दिया, गुडविल पेटेंट्स यानी कुछ आएगा नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट दोनों भी हमने राइट ऑफ कर दिया, यानी ये दोनों भी दिखाना नहीं है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कुछ चेंज हो रहा नहीं तो स्टॉक पूरा है 8,000 सीधा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स 72,500 वो भी अनचेंज रहेंगे तो सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। और कैश वगैरह कुछ दिया नहीं है तो इतना ही आएगा। टोटल करते हैं तो 44 लाख टोटल आ रहा है आपका 4,27,900 जो लायबिलिटी साइड के टोटल से मैच हो रहा है। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखो ये जो इक्विटी शेयर, ये जो 32,400 है वो कैसे आ रहा है, तो उसका पूरा डिटेल भी यहाँ पर दिया है ठीक है।